हेलो दोस्तों, आपके लिए एक और शेयर देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि यह शेयर है रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर देखने को मिलता है। और दोस्तों जो कि इसकी ओपनिंग देखने को मिलता है आप लोगों को 9:15 पर दोस्तों, जो कि 2,412 रुपये पर 85 पैसे पर ओपनिंग देखने को मिलता है। अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलता है। एक दिन का जो एवरेज ड्यूरेशन जो प्रॉफिट बना के दिया है प्लस में 5.65 रुपये का प्रॉफिट बना के दिया है दोस्तों, जो कि इसमें अच्छा खासा देखने को मिलता है। 2,403.30 रुपये पर देखने को मिलता है। लगातार अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने को मिलती है दोस्तों आपके सामने। दो देख देख सकते हो 4,022 रुपये देखने को मिलता है अपने को दोस्तों, जो कि उस टाइम पर 2,403 रुपये देखने को मिल रहा था, 23 रुपये देखने को मिल गए अपनों को दोस्तों, जो कि 20 रुपये प्रति शेयर पर इस जगह से अच्छा खासा बढ़ोतरी इसमें देखने को मिली है अपनों को दोस्तों, जो कि एवरेज ड्यूरेशन में तो बता रहा है दोस्तों एक दिन का प्लस में 5.65 रुपये प्रॉफिट देखने को मिलता है अपनों को एवरेज ड्यूरेशन में। और दोस्तों जो कि एनएससी बीएससी में लिस्टेड है रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर दोस्तों, अगर आप वीडियो पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्यारा से वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले दोस्तों। जो कि इसकी रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर की जो 3:30 बजे क्लोजिंग देखने को मिलती है अपनों को दोस्तों, 2,412.65 रुपये पर देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि क्लोजिंग होते होते भी इसमें कम से कम 12 रुपये प्रति शेयर जो प्रॉफिट मान के चलो दोस्तों, जो कि इस जगह से बाइंग ऑर्डर जिसने भी लगाया होगा दोस्तों, आप देख सकते हो बाइंग ऑर्डर इस जगह से 2,403.20 रुपये पर देखने को मिलता है। तो इस जगह से फिर भी क्लोजिंग होते होते भी इसमें 12 रुपये का प्रतिशत देते हुए गया है दोस्तों। देख सकते हो आप इस ट्रिक से, देख सकते हो आप यहाँ से 2,403 रुपये देखने को मिलता है। तो इस जगह से क्लोजिंग होते होते भी 3:30 बजे भी दोस्तों, मार्केट बंद होते होते भी तो कम से कम देख सकते हो आप 9 रुपये 10 रुपये प्रॉफिट बना के दिया है दोस्तों। ऐसे तरीके से एवरेज ड्यूरेशन में जो प्रॉफिट बताता है एक दिन का प्लस में 5.65 रुपये ही देखने को मिलता है दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, प्यारा से वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले दोस्तों। जो कि एक सप्ताह की बात करते हैं इसके रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर के बारे में दोस्तों, जो कि सप्ताह के पहले 2,459 रुपये देखने को मिलता है 25 अगस्त 2023 को दोस्तों, को लगातार इसमें जो गिरावट देखने को मिल रही है अपने को दोस्तों, जो कि एवरेज ड्यूरेशन जो गिरावट बनता है माइनस में एक सप्ताह का 44.60 रुपये देखने को मिलता है। 2% का गिरावट भी अभी की फिलहाल में देखने को मिल रहा है अपने को दोस्तों। जो कि एक महीने की बात करते हैं तो एक महीने का अभी की फिलहाल दोस्तों 2,502 रुपये देखने को मिलता है। इसकी प्राइस 9:15 2 अगस्त 2023 को, तो अच्छा खासी बढ़ोतरी देखने को मिलती है दोस्तों। वापस इस शेयर में जो कि गिरावट देखने को मिलता है लगातार एक महीने का, तो एक महीने का दोस्तों जो माइनस में देखने को मिलता है गिरावट प्रति शेयर पर दोस्तों 97.80 रुपये देखने को मिलता है। और एवरेज ड्यूरेशन में इसका 4% का गिरावट रिटर्न भी देखने को मिलता है अपने को दोस्तों। क्योंकि आज का टूडे लो देखने को मिल रहा है अपने को रिलायंस इंडस्ट्री शेयर पर 2,401.65 रुपये देखने को मिलता है दोस्तों, जो कि मैंने बताया था वही टूडे लो देखने को मिलता है इसमें दोस्तों, जो कि एवरेज ड्यूरेशन में देखने को मिलता है। और इसका टूडे है इसका 2,425.63 रुपये देखने को मिलता है। 52 वीक का लो 1,979.13 रुपये है। वो 52 वीक का है दोस्तों, जो कि 2,630.95 रुपये पर देखने को मिलता है 95 पैसे पर। और लोअर सर्किट का 2,179 रुपये के लगभग, और अपर सर्किट इसका 2,647.76 रुपये है। और बाइंग ऑर्डर 75% है, होल्डिंग 16% और सेलिंग सेलर 9% देखने को मिलता है दोस्तों। बहुत अच्छा शेयर देखने को मिलता है रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर दोस्तों, जो की एक साल की बात करते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज शेयर के बारे में दोस्तों, जो की 52 वीक की लो की तरफ ही देखने को मिल रहा है अपने को दोस्तों, जो कि लगातार इसमें गिरावट ही देखने को मिल रही है अपने को दोस्तों। तो और नीचे आने की संभावना इसमें मिल सकती है अपने को दोस्तों, जो कि इसके सपोर्ट लेवल देखने को मिल रहा है अपने को दोस्तों, जो कि 2,362 रुपये के लगभग नीचे आने की संभावना इसमें दिख रही है दोस्तों, जो कि एक साल का गिरावट अभी की फिलहाल देखने को मिल रहा है। इसका एक साल का जो गिरावट बनता है 170 रुपये माइनस में देखने को मिलता है, और 6.5% का गिरावट अभी की फिलहाल देखने को मिल रहा है दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।